जी तारिक साहब, जो कल रात में 11:40 पे एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये बताया गया कि आपने उनको ऑयल नहीं डाला है और उन्होंने कुछ आवाज़ भी दी थी आपको, तो लेकिन आप में से कोई उठ के उनको ऑयल नहीं दिया, ऐसा क्या हुआ कि कल आप नहीं उठे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बोलूँगा कि मैं इस पेट्रोल पम्प का इंचार्ज हूँ, मैनेजर हूँ। पिछले 4 सालों से मैं ये पेट्रोल पम्प चला रहा हूँ और पिछले 4 सालों में जितने भी नाइट सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड की है वो हमने किए हैं। हत्ता कि इसके बावजूद भी अभी भी यहाँ पर पेट्रोल पंप लग चुके हैं मगर फिर भी वो नाइट को नहीं उठते हैं। हम खुद ही उठते हैं उनको सर्विस करने के लिए। हम पब्लिक के लिए इधर है, उड़ी के अवाम के लिए इधर है, बुनियार के अवाम के लिए इधर है, हम उसको क्यों नहीं तेल डालेंगे? इसी टाइम में इस मिड नाइट में 11:40 पर मुझे कस्टमर आता है और 11:40 तक हमारे बंदे जितने भी मेरे सेल्समैन मेरे पास रहते हैं, मेरे बगल में सोते हैं, वही थे, कमरे में थे। रात का अंधेरा होता है, नींद होती है और पेट्रोल पंप में बहुत सारे ऐसे चीज़ें देखने पड़ते हैं हालातों की वजह से या कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से भी। इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ से एक 2019 में मैंने यहाँ पर एक सर्विस प्रोवाइड की थी कि एमरजेंसी नंबर डाला था, उस पर लिखा गया है कि जो जो भी मिडनाइट में मेरे पास आए इस पेट्रोल पंप पर तेल डालने के लिए, जमजम पेट्रोल पंप बोनियार पे तेल डालने के लिए, तो हम तैयार हैं। 24 आवर्स हम अवेलेबलिटी रहते हैं यहाँ पे, वो चाहे पुलिस हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो और यहाँ के जितने भी अवाम हो, पब्लिक हो। हत्ता कि आप देखिए कि इस वक्त 3 पेट्रोल पंप इस एरिया में लग चुके हैं, गवर्नमेंट ने खुद ही लगाए हैं, हमारा लेके तीसरा है ये पेट्रोल पंप। आप देखिए कि मेरा कस्टमर एक कमल कोट से आज नाइट में 11:35 पर आया एडवोकेट, वो तेल डाल के चला जाता है, मेरा बंदा उठता है उसको तेल डालता है, बिकॉज वो उस टाइम मुझे दस्तक देता है। मिड नाइट में दस्तक की ज़रूरत होती है। इवन ये गाड़ियों का मामला है, अगर हम जम्मू कश्मीर में पूरे पेट्रोल पंप सेक्शन को देखेंगे तो ये गाड़ियों में तेल डालना होता है, एक डॉक्टर को एक मिड नाइट में भी दस्तक देना पड़ता है, डॉक्टर साहब पेशेंट बीमार हो चुका है, तो उसको दस्तक से रात में बुलाया जाता है, इसीलिए रात को अंधेरा बनाया जाता है। मुल्ला से हूँ, आप अक्सर यहाँ तेल डालते हो? अक्सर मेरा तो 3 किलोमीटर का फैसला है, मैं अक्सर यहाँ आता हूँ। क्या आप कभी नाइट में तेल डालने के लिए आए? हाँ हाँ, 24 आवर्स यहाँ रहता है। तो क्या नाइट में भी आपको तेल मिला? तेल मिला, बिल्कुल सही मिलता है, सही पंप है। जिस तरह कल कहा गया कि 11 बजे यहाँ पेट्रोल पंप बंद होता है, क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा 3 किलोमीटर पे यहाँ घर है, मैं टठामुल्ला में रहता हूँ, मैं 24 आवर्स पेशे से मैं ठेकेदार हूँ जी, तो बिल्कुल मिलता है। ठेकेदार साहब को ज़्यादा तेल लगता है? हाँ, हमें लगता है, 24 घंटे यहाँ पंप खुला होता है, ठीक बंदे अच्छा बिहेव करते हैं। बहुत जी, आपका नाम? मोहम्मद इकबाल। आप कहाँ से? जैनपुरा से। जी, मतलब आप यहाँ पे तेल डालते हो अक्सर? कंटिन्यू, हर दिन में भी। एक बार मैं रात के 12 बजे आया तो बंदा अंदर बैठा था, मैंने आवाज़ दी, वो ऐसे ही अंडरशर्ट में निकल के उसने मुझे तेल डाला। कल भी एक बंदे ने आवाज़ दी लेकिन बोलने के कारण क्या, वो उठे नहीं है। अब ये मैं नहीं बोल सकता, मैं खुद का बोल सकता। आप आए यहाँ पे किसी भी टाइम? हाँ हाँ हाँ, हर टाइम, हर टाइम और एवरी डे। और एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पास जेब में पैसे नहीं थे, मैंने इनको कहा मैं एटीएम से वापसी पे देता हूँ, इन्होंने बोला कोई टेंशन नहीं है। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th 12th Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622-888-333, 9469-888-333.